हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको रात में नींद नहीं आती है तो आप बहुत बेचैन हो जाते हैं और आप तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं कि आखिर मैं कौन सी बीमारी से ग्रस्त हो गया हूँ भाई कि रात में नींद नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, आप अगर अपने डाइट में इस विटामिन को शामिल कर लेंगे तो आपको रात में नींद की समस्या ख़त्म हो जाएगी और रात में अच्छी नींद आने लगेगी। शरीर को मानसिक और शारीरिक तौर पर सेहतमंद रखने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। रात में अच्छी नींद लेने से पूरा दिन अच्छा रहता है और जब पूरा दिन अच्छा रहता है तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। रात में नींद न आने की समस्या, आजकल ज़्यादातर लोगों के मुंह से यह सुनने को मिलता है कि उन्हें रात को नींद नहीं आती है। इस वजह से पूरा दिन थकान भरा होता है और वो दिन भर थके थके लगते हैं। विटामिन B12 की कमी हो सकती है दोस्तों। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक शरीर में विटामिन B12 की कमी से भी रात में नींद ना आने की समस्या हो सकती है, तो आपको इस विटामिन को दूर करना है। दोस्तों, विटामिन B12 से भरपूर फूड्स को खाएं। अगर आप भी रात में अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं तो अपने डाइट में विटामिन B12 को शामिल करें। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स को शामिल करने के बाद आपकी ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स कौन कौन से होते हैं वेज में? अगर आप शाकाहारी हैं तो फोर्टिफाइड अनाज समेत पालक, चुकंदर, मशरूम और आलू जैसी सब्जियों को अपने डाइट में शामिल करें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो विटामिन B12 से भरपूर होती है मछली। विटामिन B12 सार्डिन, ट्यूना, रेनबो ट्राउट, सॉकी सेलमंस जैसी मछलियों में सबसे अधिक विटामिन B12 पाया जाता है। साथ ही शंख मछली में भी विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा होती है। उबले अंडे में भी विटामिन B12 मिलता है। एक उबले अंडे में लगभग 0.6 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है। अंडा खाते समय इसकी जर्दी भी खाएं क्योंकि इसमें विटामिन B12 के तत्व पाए जाते हैं। दूध से बने प्रोडक्ट्स, दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद विटामिन B12 से भरे होते हैं। इन्हें खाने से और इन चीज़ों को खाने से विटामिन B12 के अलावा प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व भी मिलते हैं। डॉक्टर से सलाह आप ले लीजिएगा अगर आपको इन सब चीज़ों से ठीक नहीं हो रहा है तो। अगर आप रात में नींद ना आने की समस्या से परेशान है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिएगा, सलाह ले लीजिएगा। साथ ही आहार में भी बदलाव कर लीजिएगा डॉक्टरों से पूछकर। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई को इसी तरीके से बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले टिप्स के लिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।